दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के बारे में, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या जिनकी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो गई है, कब तक स्कॉलरशिप आएगी और क्या क्या प्रोसेस है स्कॉलरशिप से। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, हम सारी चीजें आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो सरकारीjobfind.com वेबसाइट है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रही है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आप इसे डेली देखा कीजिए सरकारीjobfind.com को, या तो आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट को। सरकारी जॉब फाइंड गूगल में सर्च कीजिए तो यहाँ पे आपको वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगी सरकारीjobfind.com के नाम से। तो यहाँ से भी आप गूगल में सर्च करके भी जा सकते हैं। यदि आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन क्या होता है तो आप जो है सरकारीjobfind.com सरकारी जॉब फाइंड जो है गूगल में सर्च कीजिए, आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेटस, ये देखिए स्टेटस है जो कि ये आज का ही स्टेटस मैं चेक किया हूँ अभी तुरंत का ही, और यहाँ पे ये फॉर्म जो है रिजेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ पे आप करेंट स्टेटस में देखेंगे लिखा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और ये 16/1/2019 को रिजेक्ट हुआ है। और यहाँ पे रिजेक्टेड का रीजन क्या है, सिक्योरिटी रिजल्ट। तो यहाँ पे स्क्रूटनी रिजल्ट है, सस्पेक्ट इनरोलमेंट इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो ये जो है इनका इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो है मैच नहीं किया है, तो इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो यदि आपकी कंडीशन इस तरह की है या एक्सेप्ट भी हो गया है आपको फॉर्म, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले रिजेक्ट वाले को मैं बताता हूँ। दोस्तों यदि फॉर्म का आपका फॉर्म रिजल्ट रिजेक्ट हो गया है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है फॉर्म भरा जा रहा है, जो जो जिनका दिक्कत कुछ हुई थी, जिनका 17 नवंबर 2018 से 10 दिसंबर 2018 तक जो है इन्होंने संस्था से जो अग्रसारित किए गए थे, 11, 12 एवं अन्य 10 सत्र जो कक्षा के छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके, छात्र द्वारा यहाँ देखिए छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने की समयावधि 17 जनवरी 2019 से 28 जनवरी 2019 तक। तो ये जो है करेक्शन चल रहा है, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। यदि आपका उसमें रिजेक्टेड दिखा रहा है तो करेक्शन आपको करने के लिए इस वेबसाइट पे आना है सरकारीjobfind.com पे। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप के नीचे चले आना है। इंपॉर्टेंट में आप आएंगे तो यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस वाले सेक्शन में ही करेक्शन की लिंक हमने डाल दी है। तो यहाँ पे आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको आ जाएगा, यहाँ पे करेक्शन वाली लिंक आ जाएगी। इसको इससे जो है इसकी डायरेक्टली मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो खुद यहाँ पे डायरेक्टली करेक्शन वाली लिंक पे आप आ सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये ऊपर आपको मिल जाएगा कि करेक्शन वाली लिंक आपको मिल जाएंगी, जिसमें यहाँ पे लॉगिन लॉगिन फॉर करेक्शन फ्रेश स्टूडेंट और लॉगिन फॉर करेक्शन रिन्यूअल स्टूडेंट। तो आप फ्रेश हैं तो इस पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं, और रिन्यूअल स्टूडेंट्स के लिए इस पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। उसकी लास्ट जो है 31/28/2019 तक रखी गई है। जैसा कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो है करेक्शन वाली लिंक ओपन हो जाएगी और यहाँ से जो है खुद अपना करेक्शन कर सकते हैं। आप सरकारीjobfind.com पे आइए, उसके बाद आपको करेक्शन वाली लिंक ऊपर ही मिल जाएगी। जो यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस है उसी वाली लिंक में करेक्शन वाली लिंक भी इंक्लूडेड है, ऊपर आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको करेक्शन में करेंगे तो भी प्रॉब्लम्स आपको क्या आएगी मैं बता देता हूँ। यदि आप लॉग इन करेंगे इसमें करेक्शन वाली ये खुलेगी, तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड वगैरह डाल के यहाँ पे और ये सारी चीजें यहाँ पे भर के जब लॉग इन करेंगे तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको जो है वहां पे करेक्शन वाली लिंक किसी किसी पे नहीं दिखेगी, मतलब किसी पे करेक्शन वाली लिंक ओपन दिखेगी और किसी पे नहीं दिखेगी। दोस्तों यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं, आप में कोई दिक्कत है, आपका रिजेक्ट हो गया है, तो बिल्कुल आप 1-2 दिन तक ट्राई करते रहिए, हो सकता है आपकी करेक्शन वाली लिंक आ जाए। और क्योंकि ये सभी के लिए करेक्शन नहीं है, तो जो कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए करेक्शन के लिए इन्होंने लिंक जारी की है। तो आप एक बार अपना, यदि आपको कोई दिक्कत आ गई है, आपका रिजेक्ट हो गया, तो एक बार फिर इसमें लॉग इन करके जो है और जन्मतिथि वगैरह डाल के और ये भर के आप जो करेक्शन उसको ओपन करके देख लीजिए। यदि आपके पास करेक्शन वाली लिंक्स आ रही है तो बिल्कुल आप करेक्शन कर दीजिए। यहाँ पे जो है दाहिने साइड ओपन करने पे खुलेगा और यहाँ पे सब कुछ आएगा, प्रोसेस की आवेदन भरना, करेक्शन करना, कॉलेज को भेजना, ये सारी चीजें यहीं दाहिने साइड आएंगी। तो वहाँ पे लॉगिन करके आप देख लीजिए आपके करेक्शन का आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो आप करेक्शन कर दीजिए, यदि नहीं आ रहा है तो बिल्कुल 1-2 दिन तक वेट कीजिए, हो सकता है करेक्शन वाली लिंक आप पे भी एक्टिव हो जाए। यदि आपका सब कुछ सही है, स्टेटस सब कुछ वेरीफाई है और यहाँ पे जो इनका जो है रिजेक्टेड लिखा है, यहाँ पे लिखे आपका ये लिख के आ रहा है रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो बिल्कुल आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया है और आपकी स्कॉलरशिप आने की यानी तय है। और यहाँ पे कुछ लोग को यहाँ पे सिक्योरिटी सस्पेक्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे बल्कि और यहाँ पे लिखा रहा है कि एक्सेप्टेड बाय DWO, ऐसे कुछ करके दिखा रहा है कि एक्सेप्टेड बाय वेरीफाइड बाय DWO, तो बिल्कुल आपको वेरीफाई हो गया है। और यहाँ पे ये करंट स्टेटस में रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है, रिजेक्टेड नहीं आ रहा है, तो रिकमेंडेड ये आपका रहा है तो बिल्कुल आपकी स्कॉलरशिप 100% आनी तय है, चाहे कुछ भी सस्पेक्ट वगैरह दिखा रहा हो। तो
ये प्रोसेस है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपकी स्कॉलरशिप जो है एक्सेप्ट हो गई है, वेरीफाइड हो रही है और रिकमेंड हो रही है, हो गई है, तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम पे यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस विथ बैंक अकाउंट पे इस पे क्लिक करके दोस्तों आप बैंक अकाउंट डाल के जो है अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसी वाली लिंक ओपन होगी, मैं डायरेक्टली इसकी लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, तो ये सब सेम लिंक है सभी की। चाहे आपको स्टेटस चेक करना है, चाहे करेक्शन करना है, चाहे आपको बैंक वाला चेक करना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा कि नोट करके इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट्स यहाँ पे सभी के लिए है, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो है बैंक नेम और बैंक अकाउंट डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये रहा प्रोसेस। इसके यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे तो आपको दिखाएगा पिछले साल आपने भरा होगा तो वो वाला सब रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा, और ये कुछ पेंडिंग वगैरह है तो वो वाला रिकॉर्ड भी आ जाएगा, और इस साल कब तक आएगा वो वाला भी रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस चल रही है इसमें स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आप इन सब चीजों को करिए। और यदि यदि रिजेक्ट है तो एक बार करेक्शन करने की कोशिश जरूर कीजिए। करेक्शन वाली लिंक यहीं पे मिल जाएगी, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस वाली लिंक आप ओपन करेंगे तो उसी वाली लिंक में आपको करेक्शन वाली भी लिंक मिल जाएगी सबसे ऊपर ही। यहाँ पे जो यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ करेक्शन वाली लिंक कहाँ पे है, तो ये देखिए लॉग इन फॉर करेक्शन फ्रेश और लॉग इन फॉर करेक्शन रिन्यूअल, तो यहाँ पे मिल जाएगी दोनों वाली लिंक्स। तो यहाँ पे क्लिक करके अपना करेक्शन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आप देखिएगा करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है या नहीं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स में करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये था इस जो है इस सवाल से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज। तो मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। एक नए वीडियो साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।